रिजोल्यूशन ऑफ फर्मिंग, पहला डिजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट पढ़ेंगे विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ मे. डिजोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, सॉरी डिजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, इसमें क्या होगा, सारे पार्टनर्स अपना म्यूचुअल कंसेंट देंगे, एग्रीमेंट में आएंगे कि अब उनको पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करना है. तो डिजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट मीन्स जब सब एग्री करेंगे, एक एग्रीमेंट साइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना पार्टनरशिप फर्म को डिजोल्व करेंगे, बस और कुछ नहीं होता है. उनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अब वो लोग ख़त्म कर देते हैं, या फिर जिस पर्पस के लिए बना होगा वो अगर वो भी अगर कंप्लीट हो चुका रहता है तो ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाता, पार्टनरशिप डिजोल्व हो जाती है क्योंकि पर्पस जो था पार्टनरशिप का वो कंप्लीट हो चुका है. या फिर वो लोग सब एग्री करते हैं कि ये हमको डिसॉल्व करनी है, अब हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो म्यूचुअल कंसेंट जब होता है तो वो हो जाएगा डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट. सेकंड देखो कंपलसरी डिसॉल्यूशन, ठीक है, कंपलसरी डिसॉल्यूशन क्या होगा, जहाँ पे सारे पार्टनर्स या फिर कोई एक इनसॉल्वेंट हो जाएगा. ठीक है, इसमें लिखती हूँ मैं, देखो इफ ऑल और एनी ऑफ देम बिकेम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट अगर डिक्लेयर हो गया तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करनी पड़ेगी. ठीक है, या तो सब या फिर कोई एक, या फिर कोई ऐसे इवेंट का होना कि जो बिजनेस का जो फर्म बिजनेस है वो अब अनलॉफुल हो गया, मतलब अब वो लॉफुल नहीं है. ड्यू टू हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, ड्यू टू हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट द बिजनेस ऑफ द फर्म द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल. सपोज इसमें क्या हो जाएगा, बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, ये लोग ऐसी किसी चीज में ट्रेडिंग करते हो जिसपे गवर्नमेंट ने अब बैन कर दिया हो. पहले क्या होता था, जैसे जो लिविंग स्टॉक होता है ना, जैसे हॉर्स वगैरह हो गया या बफेलोज काउस, कहीं कहीं किसी किसी स्टेट पे कभी बैन लगता है कभी नहीं लगता है. तो अगर किसी चीज पे या उनके ट्रेडिंग पे या उनके लेदर पे या कहीं पे अगर बैन लग गया तो अब आपका बिजनेस क्या हो गया, अनलॉफुल. तो ड्यू टू हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये हो गया कंपल्सरी डिसॉल्यूशन में, ऑल और एनी ऑफ देम बिकम्स अनलॉफुल. किसी को डाउट है यहाँ तक किसी भी पॉइंट में? नो मैम. अब नेक्स्ट देखो, नो मैम. डिसॉल्यूशन ऑफ द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज, कंटिंजेंसीज वाला पॉइंट लास्ट क्लास में मैंने क्लियर किया था. ठीक है, इसमें देखो, इन द एब्सेंस ऑफ द एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, अगर कोई, अब देखो वो तो मैंने सिर्फ कंटिंजेंसीज का मतलब बताया था, अब देखो इसमें एक्चुअल कंडीशंस है क्या. ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो लोग पार्टनरशिप फॉर्म में आए हैं बट उन्होंने कोई डीड साइन नहीं किए. ठीक है, तो इसमें लिख रही हूँ मैं, इन द एब्सेंस ऑफ of any contract, in the absence of any contract to the contrary, in the absence of any contract on the contrary में, अब इसमें कुछ points हैं वो देखो. First इसमें क्या आ रहा है, expiry of the fixed period. जितने टाइम के लिए फर्म बनी थी वो टाइम आ चुका है. ठीक, या ऑन द कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, जिस काम के लिए बिजनेस स्टार्ट किया था वो काम हो चुका है, या फिर
ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाना, या फिर इसमें आएगा ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टनर एज ए इंसॉल्वेंट, ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट. किसी को डाउट है इन कंडीशंस में? बताओ, किसी पॉइंट में डाउट है किसी को? चलो नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं. डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एट विल बाय नोटिस, इसमें क्या होता है? जब पार्टनरशिप इज एट विल पे होती है, मर्जी पे होती है किसी की, तो चाहे तो कोई भी पार्टनर एक कोर्ट से ऑर्डर लेके, नोटिस लेके फर्म को डिसॉल्व करने की डिमांड रख सकता है. और जिस दिन वो कम्युनिकेशन, मतलब वो नोटिस का जो मैसेज है, पार्टनर्स तक पहुंच जाएगा, ठीक उस टाइम पे पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व माना जाता है. बस डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एट विल बाय नोटिस. ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एट विल थी, जो मर्जी पे बनती है. तो अगर किसी एक पार्टनर फर्म है, अगर उसको लगता है कि अब पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो वो कोर्ट से नोटिस लेके, नोटिस को कम्युनिकेट करके फर्म को डिसॉल्व करने की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है. कहीं पे डाउट है क्या किसी को? अब नेक्स्ट देखो. मैम ये लास्ट, हाँ बोलो मैम, ये जो आप बताए ना अभी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वाला, वो फिर से बता देना. एट विल वाला वाला मैम? हाँ, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एट विल बाय नोटिस. एट विल, विल यानी मर्जी पे. अगर किसी फर्म, मतलब फर्म में अगर किसी पार्टनरशिप की इच्छा है, मतलब ये ना एक टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में मैंने पढ़ाया था, पार्टनरशिप इज एट विल, मतलब पार्टनरशिप मर्जी पे होती है. तो वो लोग चाहें, अगर फर्म को लगता है कोई भी रीज़न, पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर को अगर लगता है कि फर्म को अब डिसॉल्व कर देना चाहिए, कोई सेंस नहीं है, हम ऐसे घिसे जा रहे हैं, मतलब अपने बिजनेस को, तो वो लोग ऐसे पार्टनर्स जिनके विल पे रहता है, मतलब जिनको मर्जी रहती है, मतलब डीड बनती है, डीड पे ही ऑलरेडी डिक्लेयर रहता है कि पार्टनरशिप इज एट विल, मतलब उसके कमांड्स चलेंगे, तो ऐसे पार्टनर्स अगर चाहें तो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं. कोर्ट का नोटिस देना पड़ता है बस, और कुछ नहीं है उसमें. नेक्स्ट देखो, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट को देखो. अब देखो, कोर्ट जब इन्वॉल्व होगी तो उसको कुछ कंडीशंस होंगी, जैसे कि इसमें पहला है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. क्या होता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड? मैम कोई आवाज नहीं, वॉइस क्लियर नहीं है मेरा? क्लियर है. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? अनसाउंड की मीनिंग बताओ यार जल्दी से, बहुत सिंपल है, बेसिक है. इनसेन बोलो, मेंटली इल बोलो, और क्या यूज कर सकते हैं वर्ड? अनहेल्दी. अनहेल्दी तो हॉस्पिटल जाएगा, वो मेंटली इल नहीं कहलाएगा, है ना?
देखो अनसाउंड माइंड, अगर कोई पार्टनर उसका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पे दूसरा पार्टनर वो या फर्म किसी ने कंप्लेन कर दी, तो फर्म ऐसी सिचुएशन में कंपलसरी डिसॉल्व करवा देती है कोर्ट को, ठीक है, सॉरी फर्म को, कोर्ट ऐसी सिचुएशन में फर्म को कंपलसरी डिसॉल्व करवा देती है, ठीक है। तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के लिए एक वर्ड यूज होता है ल्यूनेसी। ये अगर कंप्लीट ल्यूनेटिक है पर्सन, कंप्लीट मतलब टोटली क्रेजी, कंप्लीट ल्यूनेटिक, इसको ये माना जाता है कि इज अ गुड ग्राउंड, मतलब एक अच्छा बेस बन जाता है फॉर डिसोल्यूशन। नेक्स्ट देखो, इस परमानेंट इनकैपेसिटी, परमानेंट इनकैपेसिटी, परमानेंट इनकैपेसिटी क्या होता है? ऐसी जो कंडीशंस जिसमें फर्म को या कोर्ट को लगता है या दूसरे पार्टनर्स को लगता है कि अब हमारे बस का नहीं है, ठीक है, परमानेंट इनकैपेसिटी। बट इसमें एक चीज़ याद रखना, अदर देन ल्यूनेटिक, एक पागल वाली कंडीशन को अगर ऊपर वाले में उसमें डाल दें, है ना, तो अदर देन द रीज़न ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, अदर देन द रीज़न ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, कुछ भी सिचुएशंस हो सकती हैं, या आपका पार्टनर है कोई, वो दूसरे कंट्री में जाके दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है उसने, या अब आपके पास मनी नहीं है, या कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन मेंटल कंडीशन को छोड़ के, तो ऐसी सिचुएशन होती है परमानेंट इनकैपेसिटी। अगर कोर्ट को लगता है कि ये इस फर्म को अब बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो फर्म उसको डिसॉल्व करवा देती है। इसमें नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट हो गया, थर्ड देखो, कंडक्ट प्री जुडिशियल टू पार्टनरशिप बिजनेस। नेक्स्ट, कंडक्ट प्री जुडिशियल टू पार्टनरशिप बिजनेस। प्री जुडिशियल क्या होगा? कोई एक्सप्लेन कर सकता है प्री जुडिशियल क्या होता है? कोई भी पार्टनर जो गिल्टी है या उसने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को या उसके बिजनेस को हार्म होता है, इंजरी होती है, तो ऐसे रीजन को ध्यान में रखते हुए फर्म कोर्ट क्या करती है, फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे देती है। सपोज अगर किसी पार्टनर ने कुछ फंड्स को हेरा फेरी किया, तो प्री जुडिशियल है, चाहे एक पार्टनर की वजह से हो रहा है, बट वो एक पार्टनर पूरी की पूरी फर्म को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे बेसिस पे कोर्ट क्या करती है, फर्म को डिसॉल्व का ऑर्डर देती है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ पॉइंट होगा, विलफुल और परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट काम किया या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, ठीक है, विलफुल और परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ भी ऐसे मतलब मैनेजमेंट के डिसीजन से रिगार्डिंग उसने कुछ किया होगा, या ऐसा उसने कभी बिहेव किया होगा जो अनरीजनेबल होगा, कभी कभी ड्रिंक करके आ जाते हैं लोग, या कभी कभी लोग अपनी चलाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कंडक्ट और विलफुल परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मानते हैं इसमें। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ होल इंटरेस्ट,
ट्रांसफर ऑफ होल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो फर्म का पूरा प्रॉफिट है, समझो किसी एक पार्टनर ने किसी तीसरी पार्टी को, थर्ड पार्टी को दे दिया, या फिर अपने शेयर्स को उन्होंने बेच दिया, या फिर उनका कोर्ट केस चल रहा है और फर्म के पास कोर्ट केस चल रहा है और जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो कोर्ट के अंदर आ रही है, तो जो पूरा का पूरा बिजनेस है, होल इंटरेस्ट यहाँ पे मतलब पूरे बिजनेस की बात चल रही है, बिजनेस एंड इट्स डिसीजन, बिजनेस एंड एक्टिविटीज, बिजनेस एंड इट्स एक्टिविटीज, है ना, पूरा पूरा का पूरा उसने क्या कर दिया है, थर्ड पार्टी को दे दिया है या फिर कोर्ट के हाथ में है, क्योंकि वो लोग अपना लायबिलिटीज पे नहीं कर पा रहे थे, तो कोर्ट के हाथ में पूरा का पूरा फर्म का बिजनेस है, या फिर उन्होंने अपने शेयर्स ही बेच दिए हो, तो ऐसी सिचुएशन में फर्म क्या करती है, सॉरी कोर्ट क्या करती है, फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे देती है। एक और है, अगर फर्म का बिजनेस लॉस में ही चल रहा है, बिजनेस कैन नॉट रन, इफ इट एक्सेप्टेड, इफ इट बिजनेस कैन नॉट रन एक्सेप्ट एट अ लॉस, कंटिन्यूसली लॉस होते जा रहा है फर्म को, चाहे जो उसका टाइम पीरियड है फर्म को डिसॉल्व करने का वो अभी तक आया नहीं हो, उन्होंने सपोज बिजनेस स्टार्ट किया होगा 5 ईयर्स के लिए, डीड बनाई थी, लेकिन क्यों 5 साल देना किसी बिजनेस को अगर आपको उसमें लॉस ही हो रहा है तो। एक है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, कोई भी फेयर रीजन हो सकता है जो कोर्ट को लगता है कि फर्म को डिसॉल्व करनी चाहिए, लेकिन किसके रिक्वेस्ट पे, पार्टनर की रिक्वेस्ट पे, पार्टनर ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी और अब कोर्ट को लगता है ये एक वैलिड रीजन है, सपोज अगर उनके बीच में अब कोई क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नहीं है, आए दिन लड़ाई हो रहा है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस नहीं है एक दूसरे के रिगार्डिंग में, या अभी कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आए थे कंप्लीट डेड लॉक हो जाना बिजनेस का, जैसे अभी कुछ कुछ सिचुएशंस हुई थी कोविड में लॉक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कुछ जो बिजनेस थे फर्म्स की वो डिसॉल्व हो गए, मतलब क्या हो गया, बंद हो गए, अब उनके पास स्टार्ट करने के लिए भी मनी नहीं है, और अगर वो लोग कहीं से मनी का अरेंजमेंट मतलब कैपिटल को अरेंज करते भी हैं तो क्या पता अब वो बिजनेस आगे चल के सक्सेस नहीं हो, या फिर उनका ट्रांसपोर्ट का कोई ऐसा बिजनेस हो जो सिर्फ ट्रेन्स के थ्रू हो रहा हो और या फिर लोकली चलता हो, तो ट्रेन्स में भी कुछ हो नहीं रहा है या लोकली भी लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कुछ भी एक जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड हो सकता है जिसकी वजह से फर्म को डिसॉल्व करने की बात आ रही हो, उसका एग्जिट मीनिंग है कॉसिंग इंजरी टू, देखो अब आया समझ में प्री जुडिशियल का मतलब, यस मैम, है ना, दूसरी चीज इसमें एक और लिख सकती हूँ, ये हो गया, एक और वर्ड बताती हूँ देखो, क्या लिखा है बताओ, गिल्टी ऑफ कंडक्ट, क्या होता है इसका मतलब बताओ, कुछ भी ऐसा काम किया जिसके लिए वो गिल्टी फील कर रहे हैं, है ना। यस मैम, हाँ और कुछ, देखो अब मैं कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करना आप लोग एग्जाम में पार्टनरशिप्स के रिगार्डिंग, और बताना अगर अपना कुछ छूट गया हो तो इसमें, ठीक है, कभी कभी होता है ना कि अपन कुछ डिस्कस करना भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन देखो, सपोज एक क्वेश्चन आप इसमें प्रिपेयर करना, डिफाइन द पार्टनरशिप एक्ट उन्नीस
1932 explain the procedure of registration of firms and effect of non-registration. Non-registration. बताओ ये क्वेश्चन हमने किया है कि नहीं किया है? किया है ना ये वाला? मैम किया है ना? फिर एक देखो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, ये भी कर रही हूं मैं. स्टेट द फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ, स्टेट द फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाई हूँ मैं. फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ. नो मैम अलग से नहीं करे हैं. अलग से नहीं किए हमने, सिर्फ कंटेंट किए हैं ना. लेकिन बुक में है ये फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं. ठीक है देखो उन्हीं को ही इलैबोरेट किया है. वो जो हमने कंटेंट्स किए थे ना उसी में ही जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसी के कुछ पांच पॉइंट्स हैं जो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं और कुछ नहीं है. उन्हीं पॉइंट को एक्सप्लेन किया बस. ठीक एक देखो क्वेश्चन है. डिस्क्राइब द रजिस्ट्रेशन एंड डिसॉल्यूशन. रजिस्ट्रेशन किया है ना, और डिसॉल्यूशन भी किया है. तो देखो क्वेश्चन इस पैरामीटर में आप लोगों को रेडी करना है. कॉम्बिनेशन देखो कैसे बना रहा है एग्जाम में. नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं. डिटेल्स ठीक है, किसका? माइनर का. डिस्क्राइब इन डिटेल्स The rights and liabilities of minor partner, the rights and liabilities of minor partner in a registered firm under Partnership Act 1932. नेक्स्ट देखो क्या प्रिपेयर करना है. एक जो आप लोग नोट्स प्रिपेयर करोगे वो इन क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए प्रिपेयर करोगे. देखना कहीं पे कुछ मिस नहीं हो जाए आप लोगों से. एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है देखो. हाँ देखो एक क्वेश्चन छूट गया अपने से. एक्सप्लेन ब्रीफली, मैंने शायद कल बोला था इसको करेंगे. द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, the rights and liabilities, नहीं किया ना ये अपन ने. These of partner in a minor partner, minor partner किया है. normal partners का किया है, सिर्फ overview लिया था हमने. next देखो define partnership. तो देखो वैरायटी देखो कैसे बन रही है क्वेश्चन की, और हर साल इसका एक कंपलसरी क्वेश्चन बन रहा है. डिफाइन पार्टनरशिप, हाउ वुड यू डिटरमाइन वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्संस डज और डज नॉट कंस्टिट्यूट पार्टनरशिप. बताओ कैसे बताओगे डज और डज नॉट कंस्टिट्यूट पार्टनरशिप. बताओ ये क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें क्या आंसर दोगे बताओ. हितैषी, हर्ष, आस्था, नम्रता, डिफाइन पार्टनरशिप. हाउ वुड यू डिटरमाइन वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन डज और डज नॉट कंस्टिट्यूट पार्टनरशिप.
क्या आंसर लिखोगे एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा तो? मैम पार्टनरशिप डेट किए हैं कि नहीं किए वो पूछ रहा है। हाँ इसमें क्या करोगे, पार्टनर्स, पार्टनर्स ऑफ मीनिंग, फीचर्स, उसके बाद पार्टनरशिप डीड, उसके कंटेंट्स और उसके फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब आ रहा है समझ में? एक और क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने फीचर्स में बताया था ये वाला पॉइंट, याद है किसी को? रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस, यस मैम बताया था आपने, है ना? तो इस ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो आप क्या इसमें एक्सप्लेन करोगे? डिस्कस दिस स्टेटमेंट एंड स्टेट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब होता है नेचर या फीचर्स, याद रखना। लॉ के टर्म में जो फीचर्स होते हैं या नेचर, उसको एसेंशियल एलिमेंट्स बोले जाते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है? तो ये सात क्वेश्चन प्रिपेयर करने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मेरे को बताओ, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस, ये अगर पूछेगा तो इसमें क्या लिखोगे? पार्टनरशिप डीड ही है क्या शायद वो? नहीं बेटा, इसका मतलब होता है जो रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप है, है ना? इसका मतलब आपसे पूछ रहा है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, याद रखना। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ ब्रैकेट में लिख के दे रही हूँ, एग्जाम में ऐसा कुछ देगा नहीं आप लोगों को, आ रहा है समझ में? द रिलेशन ऑफ पार्टनर, राइट्स और ड्यूटीज एक ही है ना वो? नहीं, राइट्स क्या होता है, डिफरेंस होता है ना। राइट्स मतलब आपके क्या हक है, पावर्स है, अथॉरिटीज है, और ड्यूटीज मतलब आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर आपको पावर दी जा रही है तो आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाएंगी, आया समझ में? यस मैम। तो रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब यहाँ पे किससे है ना, तो यानी ये जो फिफ्थ है और ये जो सेवेंथ है, ये सेम है, राइट्स एंड ड्यूटीज। क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेवेंथ सेम हुआ ना? यस मैम। है ना, तो क्वेश्चन नोट करो, पार्टनरशिप से यही सात क्वेश्चन ही प्रिपेयर करने हैं आप लोगों को। कल राइट्स एंड ड्यूटीज करेंगे और उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैं स्टार्ट करूंगी इंट्रोडक्शन में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिस मत करना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यस मैम। हाँ, किसी को और कुछ पूछना है?